Now next one, just मैंने previous program में discuss किया था how to inserting new character from a given position on the given strings. लेकिन इस case में just insert क्या कराना है? Inserting word और we can say strings. मीन्स string के अंदर just new string को insert कराना है as a separate words. इस केस में और अगेन ऑपरेशंस का टाइप क्या, अगेन वी आर परफॉर्मिंग इनसाइड ऑपरेशन. लेकिन इनसाइड ऑपरेशन इस केस में जस्ट परफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग वर्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टू स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने इसको डायग्राम्स के फॉर्म में राइट डाउन किया जस्ट बिकॉज ऑफ सेविंग टाइम्स. इन दैट केस ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, ए. इस स्ट्रिंग ए के अंदर मुझे न्यू स्ट्रिंग कॉपी कराना है, इंसर्ट कराना है कंटेंट्स ऑफ बी. मीन्स इसको कॉपी ऑपरेशंस नहीं बोल सकते, जस्ट इंसर्ट ऑपरेशंस. मीन्स दूसरा केस, अब इसके बी के कंटेंट से भी आप ए में कॉपी कराओगे तो इसके लिए जस्ट मैं फॉर एग्जांपल कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन नेम है इंसर्ट. इंसर्ट के केस में सबसे पहले मैं वो एरे पास करूंगा जिसे एरे के अंदर कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सेकंड केस में नेक्स्ट स्ट्रिंग पास करें जिस स्ट्रिंग के कंटेंट्स कॉपी कराना, तो इस केस में बी के कंटेंट्स इंसर्ट किस में हो रहा है, ए में. लेकिन ए के अंदर किस पोजीशन में इंसर्ट कराना है इसके साथ साथ सप्लाई क्या करें पोजीशन. फॉर एग्जांपल मुझे एरे बी के अंदर कंटेंट्स के एच आई टी एंड स्पेस हिट, मुझे जस्ट इंसर्ट कर इसमें कराना है स्ट्रिंग ए के अंदर. स्ट्रिंग ए के अंदर जस्ट किस प्लेस पर, फ्रॉम फोर्थ इंडेक्स ऑनवर्ड्स. तो सेकंड केस में मैंने पोजीशन सप्लाई किया इंडेक्स के फॉर्म में और इंडेक्स पास कर रहे हैं, इंडेक्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म करें. तो इंडेक्स वैल्यू क्या पास किया, फोर. तो इस केस में स्ट्रिंग ए के कंटेंट्स स्ट्रिंग बी में किस प्लेस से इंसर्ट होना स्टार्ट होंगे, फ्रॉम फोर्थ इंडेक्स ऑनवर्ड्स. तो फोर्थ इंडेक्स ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो सबसे पहले चेक करो इसके फोर्थ इंडेक्स में ऑलरेडी एलिमेंट फाउंड हो रहा है. इस प्लेस पर जब आप डेटा को कॉपी कराओगे तो सबसे पहले कॉपी क्या हुआ, एच. नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ, आई. नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ, टी. देन स्पेस, देन नल. लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, जस्ट अगर डायरेक्टली आप कॉपी कराओगे तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑपरेशन नॉट अ इंसर्ट. इंसर्ट का मीनिंग क्या है, अगर करेंट पोजिशन में एग्जिस्टिंग कंटेंट्स फाउंड होते हैं, इन एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट कराओगे. शिफ्ट कराने के जस्ट बाद देन जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, इंसर्ट ऑप्शन. सो शिफ्टिंग इस, अगर आप पोजिशन इस केस में पास करके इंडेक्स वैल्यू है फोर, इस केस में फोर्थ इंडेक्स ऑन बोर्ड, फोर्थ इंडेक्स से लेकर नल तक जितने भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनको जस्ट पहले राइट में शिफ्ट कराओगे. और राइट में कितने पोजिशन शिफ्ट कराओगे डिपेंड करेगा आप टारगेट स्ट्रिंग से कितने कैरेक्टर कॉपी कराओ. मीन्स इस केस में चेक कर सकते हो कंटेंट्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एच आई टी एंड स्पेस. मीन्स फोर कैरेक्टर, फोर कैरेक्टर आप शिफ्ट कराओगे इस केस में कॉपी कराएं तो इस केस में एम्प्टी प्लेस भी कितनी अच्छी, फोर. तो फोर एम्प्टी प्लेस बनाने के लिए जस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को, एग्जिस्टिंग कंटेंट्स क्या है, नल. फाउंड का हमारा सेम प्लेस को कॉपी कहाँ कराएंगे, ऑन द फोर्थ प्लेस. अगर मीन्स रिप्लेस होने से पहले इस प्लेस पर क्या ट्रांसफर हो जाए, नल. नल के प्रीवियस प्लेस पर एन, एन के प्रीवियस केस में ए और ए के प्रीवियस केस में एम. अगर ये चारों कैरेक्टर ऑलरेडी आप ट्रांसफर कर चुके हो, मीन्स शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन कर चुके, देन आपके लिए कॉपी ऑपरेशन करना पॉसिबल. मीन्स इस केस में अगर आप एच आई टी और स्पेस को कॉपी करा रहे हो, देन इस केस में कोई कंटेंट्स रिप्लेस हुआ है क्या, नहीं. मीन्स आपके पास मेन भी, मीन्स रिमेनिंग पार्ट भी अवेलेबल है और न्यू स्ट्रिंग भी कंप्लीटली कॉपी हुआ है, क्लियर. तो फाइनल इस केस में स्टेप और लॉजिक्स टू स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है, शिफ्ट ऑपरेशन. सेकेंड स्टेप क्या है, जस्ट कॉपी ऑपरेशन, शिफ्ट एंड कॉपी. तो शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट पहले मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग शिफ्ट ऑपरेशन. शिफ्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो मीन्स एलिमेंट किस एरे के शिफ्ट कराना है, ए के और एरे बी के. मीन्स एलिमेंट किसके शिफ्ट हो रहे हैं, फ्रॉम एरे ए, एरे ए मीन सोर्स स्ट्रिंग. एरे ए के अंदर चेक करो एलिमेंट कितने पोजीशन शिफ्ट हो रहे हैं डिपेंड करेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी. तो इसके आपको रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रिंग बी का लेंथ प्लस सबसे पहले कॉपी क्या हुआ है, एम और पहले नल, पहले नल. क्योंकि अगर आप पहले एम को रिप्लेस कराओ तो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर अगेन रिप्लेस हो जाएगा. मीन्स राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग परफॉर्म करा, पहले सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी होगा नल, देन सिक्स्थ का, देन फिफ्थ का, देन फोर्थ का. मीन्स फाइनली आपको शिफ्ट ऑपरेशन स्टार्टिंग कहाँ से कराना है, फ्रॉम पोजिशन ऑफ द नल प्लस अप टू पी. इस कब तक परफॉर्म कराना है, अप टू गिवन पोजीशन पी, क्लियर. तो इस केस में सबसे पहले सेवेंथ इंडेक्स कॉपी हुआ, देन सिक्स, देन फाइव, देन फोर. तो इसके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या, लेंथ ऑफ बी. क्योंकि जब शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुई तो पोजीशन में डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, डिपेंड करेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग भी। तो इस केस में जस्ट आपको क्रिएट क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ मैनेज करने के लिए वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी और वेरिएबल आई एंड जे फॉर मैनेजिंग इंडेक्स। मीन्स फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट वेरिएबल है लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए को मैं जस्ट नेम प्रोवाइड करूंगा एल ई एन ए, एल ई एन बी, देन आई एंड जे, क्लियर। लेंथ ऑफ ए सबसे पहले काउंट क्या हुआ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इंसर्ट फंक्शन के लिए, वॉइड फंक्शन नेम है इंसर्ट। इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे जब वॉइड। आर्ग्यूमेंट में कितने इनपुट पास होना, थ्री इनपुट्स, बिगिनिंग टू एरे इनपुट्स किस टाइप के, कैरेक्टर एरे, कैर स्टार ए, कैर स्टार बी, लेकिन थर्ड एलिमेंट क्या है इंटीजर, देयरफॉर वी आर यूजिंग इंट इंडेक्स, इंट जस्ट इंडेक्स, और इंडेक्स को जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ पी और पोजिशन पी लाइक दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायर्ड, इसके साथ टोटल न्यू वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, फोर वेरिएबल्स, देयरफॉर वी आर डिक्लेयरिंग फोर वेरिएबल्स इंट आई कॉमा जे, देन एल ई एन लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी। तो सबसे पहले काउंट क्या करें, लेंथ ऑफ एरे ए, लेंथ ऑफ एरे बी। लेंथ को काउंट करने के लिए आप या तो लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर सकते हैं एस टी आर एल ई एन, या फिर डमी लूप के थ्रू भी लेंथ काउंट करना पॉसिबल है। सबसे पहले मैं ए का लेंथ काउंट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन कैसे स्टार्ट करो, जीरो से। मीन्स ए के अंदर लूप जीरो से स्टार्ट करोगे अप टू नल, और एवरी टाइम इंक्रीमेंट कैसे होगा, लेंथ ऑफ ए। लूप कब तक चलाना है, जब तक ए ऑफ लेंथ ऑफ ए का वैल्यू नल नहीं हो जाता, क्लियर। एवरी टाइम इंक्रीमेंट कैसे होगा, लेंथ ऑफ ए प्लस प्लस। जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके इसमें लेंथ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, सेवन, क्लियर। जीरो से स्टार्ट हो रहा, सेम है बी का लेंथ काउंट करना, तो अगेन यूज करेंगे वन मोर डमी लूप, लेंथ ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, देन एरे बी ऑफ लेंथ ऑफ बी एवरी टाइम लेंथ ऑफ बी प्लस प्लस। तो सेकेंड लूप के थ्रू लेंथ किसका काउंट होगा, एरे बी का, बी का लेंथ क्या है, फोर एच आई टी एंड स्पेस, स्पेस भी काउंट होगा एज अ कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इस फाइनली लेंथ कैलकुलेट करने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, पहले आप कॉपी ऑपरेशन, पहले डेटा को इंसर्ट कराओगे, पहले शिफ्ट कराओगे, पहले शिफ्टिंग कराएंगे। तो चेक करो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा शिफ्ट होगा, इंडेक्स, वो सॉरी नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर का करेंट पोजीशन क्या, सेवन, और कितने पोजीशन शिफ्ट होगा, फोर, क्योंकि आपको फोर कैरेक्टर इंसर्ट करने रिक्वायरमेंट, बी का लेंथ क्या है फोर, मीन्स करंट पोजीशन क्या, सेवन, सेवन प्लस फोर बिकम्स इलेवन। तो एक करंट कैरेक्टर किस इंडेक्स में शामिल होगा, इलेवन इंडेक्स में, मीन्स सेवन इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस किस इंडेक्स में हो रहा, जस्ट इलेवन। नेक्स्ट टाइम सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ हो रहा है, टेंथ प्लेसमेंट, मीन्स टेंथ इंडेक्स में असाइन क्या होगा, सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम फाइव इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ होगा, नाइन में, इस नाइन्थ इंडेक्स में क्या असाइन हो जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट। नेक्स्ट फोर इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ होगा, एट में, फोर इंडेक्स एलिमेंट इज असाइन टू द इंडेक्स एट। मीन्स जैसे इसके इसमें फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हो चुका है, पोजीशन भी क्या पास किया था, इसके इसमें पोजीशन पी का भी वैल्यू क्या है, वन मोर वैल्यू इज पी, पी का वैल्यू क्या पास हुआ है, फोर। तो इसके इसमें कॉपी ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना, अप टू वैल्यू ऑफ पी, क्लियर। देन कॉपी ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट केस क्या रहेगा, सॉरी पहले अभी क्या करा था, जस्ट शिफ्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट टाइम कॉपी ऑपरेशन। तो कॉपी ऑपरेशन के केस में इसे शिफ्टिंग किससे हुआ था, एरे ए से, और असाइनमेंट भी किसमें हुआ है, एरे ए में, एरे ए के एलिमेंट कॉपी किस, मीन्स ए के एलिमेंट ए में ही कॉपी कराए हैं, मीन्स ए ऑफ इलेवन, इलेवन इट्स, मीन्स अगर इस पर्टिकुलर केस को मैं नेम देता हूँ एज अ आई, दिस वन इज अ आई, तो इस प्लेस को नेम क्या देंगे, आई प्लस लेंथ ऑफ बी, चेक इट, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, सेवन, सेवन प्लस लेंथ, सेवन प्लस बी का लेंथ क्या है, फोर, क्या आएगा, इलेवन। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू सिक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस फोर टेन, क्लियर। इस टाइप से लॉजिकली वैल्यूज के फॉर्म में मैनेज करना पॉसिबल। तो फाइनल स्पेस पर राइट डाउन क्या हो रहा है, ए ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ बी इक्वल्स टू ए ऑफ
I. Clear? This is the given expression or represented by given expression. Next one, copy operation. Just perform क्या कराएं? Copy. Means copy किस array के element copy हो रहे हैं? B के. B के element transfer किस में हो रहे हैं? A में. तो इस केस में just A में आसान क्या होंगे? Element of B. Index check कर दे इस केस में किस index का element किस place पर आसान होने वाला है? Next one means first time copy क्या हुआ? H. और H किस place पर आसान होगा? Given position P. Position क्या है? 4. तो means array A के अंदर copy element किस में आसान होगा? A में. आसान किसका हो रहा है? B का. तो B का element जब A में transfer होगा, तो B का element read किस index से होगा? 0 से. और आसान किस index में हो रहा है? P means 4 में. Clear? Next time second index copy होगा. I का index क्या है? 1. आसान किस में हो रहा है? किस index में आसान होगा? Next index of P means 5. Then second index का element copy was 2. आसान किस में होगा? Again next position means 6th. Next time third index का element आसान किस index में हो रहा है? Next place 7. इसके just बाद fourth index, जैसे ही j का value 4 होगा देन क्या हो जाएगा? null. देन ये read करना stop कर दे. Clear? तो इस place पर एक particular value किससे manage करूंगा मैं? J से. कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसके थ्रू मैनेज कराएंगे? I के थ्रू. क्लियर? मींस A ऑफ I में आसान क्या होगा? B ऑफ G. 1 बाय 1 जस्ट मैं सोर्स कोड के थ्रू लॉजिक इंप्लीमेंट करूं. फर्स्ट वन, सबसे पहले मैंने लेंथ काउंट कर लिया है. इसके जस्ट बाद पहले आप कॉपी कराओगे डेटा को, पहले शिफ्ट कराओगे, शिफ्ट कराएंगे. तो शिफ्ट कराने के केस में जस्ट I का इनिशियल वैल्यू क्या रखोगे? 7. और 7 आपके पास क्या है? जस्ट लेंथ ऑफ ए. जब उसके एलिमेंट पहले कौन सा कैरेक्टर कॉपी होगा? लास्ट कैरेक्टर. लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा? सिमिलर टू लेंथ. इसलिए जब लूप को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड क्या है? आई का वैल्यू 7. नेक्स्ट टाइम 6, 5, 4. क्लियर? आई इक्वल्स टू जस्ट लेंथ ऑफ ए. ए का लेंथ डायग्राम में क्या है? 7. इसलिए आई में भी क्या आसान हो जाएगा? ऑल्सो 7. लूप कब तक चलाएंगे? मीन्स 7, 6, 5, 4. जैसे ही आई का वैल्यू 4 हो जाएगा. 4 इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ पी. 4 क्या है? पी. मीन्स कब तक चलेगा? जब तक आई का वैल्यू या तो पी से बड़ा या पी के बराबर है. एवरी टाइम चेक करो आई के केस में इंडेक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीज जस्ट डिफरेंस कितने का है? 1 का. तो एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई के लिए? आई माइनस माइनस. देन डेटा ए ऑफ आई इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में कराना? ए ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ बी. तो इस केस में जस्ट लूप के अंदर बॉडी पार्ट में राइट डाउन क्या करेंगे? ए ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ बी. लेकिन इससे जस्ट पहले आपको एक फिल्टर और कंडीशन अप्लाई करना है. कंडीशन क्या है? सपोज दैट इस केस में तो पोजीशन वैलिड था. अगर पोजीशन मैंने 4 के प्लेस पर 40 पास किया है, लाइक दैट 40, तो 40 वैलिड पोजीशन है? इनवैलिड. इनवैलिड पोजीशन मींस ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका इंडेक्स 40 हो. इस केस में आपको कंडीशन क्या लगाओगे? कॉपी होने के लिए. अगर P वैलिड पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, देन ओनली ये लूप कॉपी ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए. तो इस केस में कंडीशन क्या लगाएंगे? मीन्स वैलिड इंडेक्स क्या होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. मीन्स 0 से बड़ा हुआ है, 0 के इक्वल होगा. एंड P शुड बी लेस देन और इक्वल टू. वैलिड पोजिशन कब तक होंगे? अप टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स 7th इंडेक्स तक. तो इस केस में क्या पास करेंगे? लेंथ ऑफ ए. अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन आप उसके बेसिस पर स्टार्ट क्या करोगे? शिफ्ट ऑपरेशन. देन ओनली आपको एलिमेंट शिफ्ट कराने की जरूरत है. तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा एलिमेंट शिफ्ट होगा? 7th इंडेक्स. फॉर लूप 4 आई इक्वल्स टू जस्ट लेंथ ऑफ ए. ए का लेंथ क्या था? 7. तो इसलिए आई में क्या आसान हो जाएगा? 7. कब तक चलाओगे? जब तक आई का वैल्यू इस एलिमेंट राइट टू लेफ्ट कब तक कॉपी होंगे? अप टू पी. पी का वैल्यू क्या है? जस्ट 4. देन आई के केस में आई का वैल्यू, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या? 7. नेक्स्ट टाइम 6, नेक्स्ट टाइम 5, नेक्स्ट टाइम 4. मीन्स आई इस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, डिक्रीजिंग. राइट टू लेफ्ट जब भी रीड करो डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई क्या करेंगे? आई माइनस माइनस. देन एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में कराना? सॉरी, 7th इंडेक्स का एलिमेंट आसान क्या हो रहा है? 11 में. फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में चेक करो 7th इंडेक्स असाइनमेंट क्या कराना है? 7th इंडेक्स. और 7 करंटली किस में? आई में. तो ए ऑफ 7 और वी कैन से ए ऑफ आई. और ए ऑफ आई आसानी किस में कराना है? आई में, या आई प्लस लेंथ ऑफ बी में? आई प्लस लेंथ ऑफ बी. इसलिए फाइनली यूज क्या करेंगे? ए ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ बी.
क्योंकि एवरी टाइम डिफरेंस कितने का आएगा, लेंथ ऑफ बी, चेक इट फर्स्ट टाइम। इस लूप को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस लूप का जस्ट मेन पर्पज क्या है, अप्लाइंग शिफ्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट टाइम एक और लूप अप्लाई करें, दूसरा लूप क्या करेगा, जस्ट कॉपी ऑपरेशन। क्लियर, फर्स्ट लूप के थ्रू शिफ्टिंग होगा, सेकेंड लूप के थ्रू जस्ट कॉपी ऑपरेशन। क्लियर, नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, ए ऑफ आई प्लस आई का करंट वैल्यू चेक करो क्या है, सेवन, देन सेवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फिक्स है, पी का वैल्यू क्या है फोर। मीन्स एक कंडीशन कैसा है, फर्स्ट टाइम ट्रू ट्रू है, देन ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है सेवन, सेवन प्लस फोर इक्वल्स टू ए ऑफ सेवन, और इन दोनों का एडिशन क्या है इलेवन। सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी किस में रहा, इलेवन में। मीन्स फर्स्ट असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेवन्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है ऑलरेडी, चेक इट, सेवन्थ इंडेक्स में क्या है जस्ट नल, असाइन किस में हो रहा है इलेवन, तो इलेवंथ इंडेक्स में ट्रांसफर क्या हो जाएगा, नल। मीन्स आप नल को कॉपी कर चुके हो, क्लियर। देन मैं इसको इनविजिबल करा, रियल में मेमोरी में तो एग्जिस्ट करेगा, आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको इस प्लेस से रिमूव कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेम कंटेंट्स हिट से रिप्लेस हो जाएंगे, कैरेक्टर बी के एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई माइनस माइनस, क्योंकि करेंटली मैं सेवन्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट कॉपी कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम आई में डिक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स। अब आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके प्रीवियस एलिमेंट को, क्लियर, प्रीवियस एलिमेंट सिक्स। अगेन आई का वैल्यू क्या है सिक्स, सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन फिर से अप्लाई करेंगे, आई का वैल्यू क्या है सिक्स, सिक्स प्लस फोर इज टेन, टेंथ इंडेक्स में आसानी क्या है, सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट मीन्स टेन, सिक्स इंडेक्स कॉपी किस में हो रहा है टेन में, मीन्स सिक्स इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है एन, और एन किस प्लेस पर सेंड हो जाएगा, टेंथ इंडेक्स में, क्लियर। देन इसको मैं कंसिडर करेंगे एम्प्टी प्लेस, दिस विल बिकम्स एम्प्टी प्लेस, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या हुआ, आई माइनस माइनस, आई बिकम्स फाइव। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है फाइव, फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने केस में देन अगेन इस प्लेस पर क्या जाएगा, आई का वैल्यू क्या है फाइव और लेंथ क्या है फोर, फाइव प्लस फोर इज नाइन, नाइन्थ इंडेक्स में आसान क्या हुआ, आई का पोजिशन वैल्यू क्या है जस्ट फाइव, तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट नाइन में कॉपी हुआ, फिफ्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है ए, नाइन्थ इंडेक्स में कॉपी करने के बाद इस टाइप से आपको जीरो, मीन्स जस्ट थर्ड कॉपी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर, कंडीशन टेस्टिंग, लूप का कंडीशन टेस्ट करेंगे, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन कॉपी ऑपरेशन अगेन अप्लाई करेंगे, देन आई के प्लेस पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ आई, और आई का करंट वैल्यू फोर है इसलिए क्या आएगा फोर एंड फोर, फोर प्लस फोर इज एट, एट्थ इंडेक्स में आसानी कर रहा फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स में क्या है एम, देन एम एट्थ इंडेक्स में कॉपी हो रहा है, मीन से फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें होगा एट में, क्या जाएगा इस प्लेस पर एम, चेक करो फोर पी के, पी का जो पोजीशन फोर पास किया है, फोर पोजीशन ऑन वोर्ड्स मीन्स फोर, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स हैं फोर, फोर कैरेक्टर्स राइट एंड साइड में कंप्लीटली कॉपी हो चुके हैं, तो लॉजिकली ये फोर प्लेस कंसिडर कैसे होंगे जा एम्प्टी प्लेस, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अभी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, देन असाइनमेंट होने के बाद आई में माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट थ्री। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा फोर लूप के अंदर, और फोर लूप के अंदर जस्ट कंडीशन क्या है आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, आई का वैल्यू क्या हो चुका थ्री, थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, कंडीशन बिकम फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड दिस लूप, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा चेक करो उससे जस्ट पहले सारे के सारे कैरेक्टर्स कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं, जैसे फोर कैरेक्टर शिफ्टिंग ऑपरेशन कितने कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई हुआ फोर कैरेक्टर, इलेवन जैसे इंडेक्स इलेवन इंडेक्स टेन इंडेक्स नाइन इंडेक्स एट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद अब अप्लाई किया करना है कॉपी ऑपरेशन, एरे बी के एलिमेंट कॉपी किसमें कराना है एरे ए में, तो नेक्स्ट टाइम अगेन एक और लूप अप्लाई करेंगे, इस लूप के थ्रू परफॉर्म किया हुआ कॉपी ऑपरेशन, चेक करो इस केस में जब एरे के एलिमेंट कॉपी होंगे, मीन्स एरे बी के एलिमेंट आसानी किस में हो रहे हैं एरे आई में, तो लूप कब तक चलेगा जब तक बी के एलिमेंट्स कंप्लीटली कॉपी नहीं हो जाते हैं, और कंप्लीटली कॉपी होने किस में इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, मीन्स लास्ट कैरेक्टर क्या है नल, और नल का इंडेक्स क्या है फोर, तो इस केस में इस लूप को मैनेज करने के लिए मैं इंडेक्स वैल्यू यूज करूंगा जे, और जे के केस में बिगनिंग इंडेक्स क्या है जीरो, तो इसके अंदर जे में क्या असाइन कराएंगे जस्ट जीरो, जे बिकम्स जीरो, क्योंकि इस केस में स्टार्टिंग कहाँ से कराना है जीरो से,
लेकिन आई के रिस्पेक्ट में क्या रिक्वायर्ड है, फोर। फोर आपके पास कहीं भी है क्या अवेलेबल, फोर किस में, पी में। तो जस्ट आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या असाइन करा जा सकते हो, टू पॉसिबल केस है, या तो आप क्या राइट कर सकते हो आई इक्वल्स टू फोर और आई प्लस वन, क्योंकि आई का वैल्यू भी क्या है थ्री और थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा फोर, तो दोनों की मीनिंग कैसे सेम, आपको जो अच्छा लगे वो राइट कर सकते हो, या आई प्लस प्लस, दोनों की मीनिंग कैसे एग्जैक्टली सेम। आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है थ्री, अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी आई की, मीन्स थ्री में इंक्रीमेंट होने के बाद फोर। नेक्स्ट टाइम लूप कब तक चलाना है, सबसे पहले कॉपी क्या होगा एस देन आई देन टी देन स्पेस, इसका जैसे ही जे का वैल्यू फोर होगा तो फोर के केस में बी ऑफ जे में क्या आएगा नल, तो नल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही बी ऑफ जे का वैल्यू नल हो जाता है देन लूप स्टॉप होना चाहिए, इसलिए मैंने सप्लाई क्या किया बी ऑफ जे। बी ऑफ जे के केस में जब नल पास हो, नल मीन्स जीरो, और जीरो के रिस्पेक्ट में कंडीशन कैसा हो जाए फॉल्स, चेक इट। इस सीरीज के अंदर आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है फोर और जे का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है जीरो, आई के केस में जस्ट सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, तो इसलिए परफॉर्म क्या कराएंगे आई के रिस्पेक्ट में आई प्लस प्लस। जे के रिस्पेक्ट में चेक करो, जे के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम फर्स्ट टाइम क्या फोर फाइव सिक्स सेवन, ये जे का जो करंट वैल्यू है, सॉरी आई का जो भी करंट वैल्यू है आई के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं इंक्रीमेंट करा चुका हूँ, देन नेक्स्ट टाइम जे, दोनों ही केस में सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, इसलिए अप्लाई क्या करेंगे आई प्लस प्लस कॉमा जे प्लस प्लस। देन वैल्यू किसका कॉपी कराना है, बी ऑफ जे का वैल्यू आसान किसमें हो रहा है ए ऑफ आई में, इसलिए राइट डाउन क्या कर सकते हैं ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे। अगेन जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में फाइनली परफॉर्म क्या होगा, फर्स्ट टाइम आई जे में क्या आसान हो चुका है जीरो, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी फोर, देन कंडीशन टेस्टिंग बी ऑफ जे, बी ऑफ जे मीन्स वॉट, जे का वैल्यू क्या करंटली जीरो, बी ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट एच, एच इट सेल्फ नल है क्या नहीं, तो ये कंडीशन कैसा आएगा ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो स्पेस पर बी ऑफ जे का वैल्यू क्या आएगा एच, और एच आसान किस में हो रहा है एच का इंडेक्स क्या था जीरो, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट स्पेस पर क्या जाएगा बी ऑफ जे, जे का वैल्यू क्या था जीरो, और ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या करंटली फोर, तो फोर्थ इंडेक्स में जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है फोर्थ में, इस फर्स्ट जीरो इंडेक्स के लिए फोर्थ में कॉपी हो रहा है, मीन फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और बी जीरो में क्या फॉर्म हो रहा है एच, तो एच किस में आसान हो जाएगा ए फोर में, ए फोर मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा जस्ट कैरेक्टर एच। कॉपी किस प्लेस से होना स्टार्ट हुआ, फ्रॉम करंट पोजिशन और गिवन पोजिशन पी। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा, आई का लिखा जाए फाइव, जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू लिखा जाए वन, तो अगेन सेम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, देन पहले कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन में क्या पास होगा बी ऑफ जे, और जे का वैल्यू क्या करंटली वन, और बी ऑफ जे में बी ऑफ वन में क्या स्टोर है आई, मीन्स अगेन नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम सप्लाई क्या होगा जे और आई के प्लेस पर, आई का वैल्यू क्या है फाइव, जे का वैल्यू क्या है वन, तो वन इंडेक्स बी के अंदर वन इंडेक्स का एलिमेंट आई के किस इंडेक्स में साइन होगा, आई का वैल्यू क्या है फाइव, फिफ्थ इंडेक्स में, मीन्स फिफ्थ इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा एलिमेंट और कैरेक्टर आई। नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस टू, चेक करो वन इंडेक्स का एलिमेंट भी फिफ्थ इंडेक्स में कॉपी हो चुका है, अब आई का वैल्यू क्या है सिक्स, जे का वैल्यू क्या है टू, तो इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट सिक्स इंडेक्स में आसान होने वाला है। अगेन कंडीशन टेस्ट होगा फोर लूप के केस में बी ऑफ टू, बी ऑफ टू में क्या है टी मीन्स नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू, देन आई के प्लेस पर क्या आएगा आई का वैल्यू, और जे के प्लेस पर क्या आएगा जे का वैल्यू, बी ऑफ टू मीन्स सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है टी, इस प्लेस पर टी आसानी किस में हो रहा है जस्ट सिक्स्थ इंडेक्स में, ए के अंदर सिक्स्थ इंडेक्स में, इस प्लेस पर क्या जाएगा कैरेक्टर एज टी, मीन्स थर्ड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या है आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस सेवन थ्री, तो नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या है थ्री, आई का वैल्यू क्या है सेवन, तो थ्री इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में होगा जे में, मीन्स ए ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला है, इस केस में आई के प्लेस पर क्या जाएगा आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है जस्ट सेवन, और बी का वैल्यू क्या है थ्री, सॉरी जे का वैल्यू क्या है थ्री, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हो रहा है सेवन्थ में, थर्ड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, सेवन्थ इंडेक्स में क्या कॉपी हो जाएगा जस्ट स्पेस, सेवन्थ इंडेक्स का डेमी से फोर कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन क्या होगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा एट, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट फोर, जे का वैल्यू फोर होने के केस में चेक करो नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर क्या पास होगा बी ऑफ जे, बी ऑफ जे मीन्स बी ऑफ फोर, और बी ऑफ फोर में क्या फाउंड हो रहा है नल, नल मीन्स जीरो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कहाँ जाएगा जस्ट
आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स लूप के बाहर कंट्रोल आने से पहले कंटेंट्स कंप्लीटली कॉपी हो चुकी। फाइंड ये लॉजिक कैसे है, कंप्लीटेड क्लोजिंग दिस देन क्लोज दिस क्लोजिंग फंक्शन, जस्ट स्पेस पर फाउंड क्या हो रहा था, मैंने इसको क्लियर कर दिया। ओरिजिनल एरे, एरे के अंदर आपको कंटेंट्स क्या विजिबल हो रहे हैं, इस प्लेस पर क्या था ऑलरेडी टी एच ई द देन स्पेस, स्पेस के बाद इस प्लेस पर क्या था जस्ट कॉपी क्या हुआ था एच और आई, दिस द करंट केस ए 0 1 2 3 4 5 क्लियर पॉइंटेड बाय एरे ए। नेक्स्ट वन चेक करो इनिशियल वैल्यू, एरे के अंदर इनिशियल एलिमेंट क्या थे द मैन, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हो चुका द स्पेस हिट स्पेस मैन क्लियर। इस टाइप से मिडिल प्लेस पर मैंने इंसर्ट क्या कराया फ्रॉम फोर्थ पोजिशन मीन्स हिट हिट स्पेस, इस टाइप से आपके लिए किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर इसे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करा के न्यू वर्ड किसी भी रिक्वायर्ड प्लेस पर इंसर्ट कराना पॉसिबल है। अभी जस्ट मैंने फंक्शन इंप्लीमेंट किया था ना, इसे ऑपरेशन को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ मैन फंक्शन, एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बॉडी ऑफ मैन, देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग और इंप्लीमेंटिंग मैन, मैन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होंगे टू एरे कैर एरे ए विद मैक्सिमम साइज 100, सेम एज कैर एरे बी मैक्सिमम साइज 100। इसके अलावा इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड होगा पोजीशन पी, गेट्स रीडिंग इनपुट्स गेट्स ए, देन ए के लिए डेटा रीड करने का नेक्स्ट टाइम रीड क्या करेंगे एलिमेंट्स फॉर बी गेट्स बी, देन फाइनली स्कैन एफ, स्कैन एफ के थ्रू रीड क्या करेंगे पोजीशन, पोजीशन का टाइप इंटीजर है इसलिए यूज क्या कर रहे हैं परसेंट डी, फाइनल स्पेस पर कॉल क्या करा लेंगे इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट ए कॉमा बी कॉमा पी, पी का रिक्वायर्ड वैल्यू कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना पॉसिबल, देन पुट डिस्प्लेइंग कंटेंट्स ऑफ ए आफ्टर अप्लाइंग इंसर्ट ऑपरेशंस, इस मेन फंक्शंस के थ्रू आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन टेस्ट करना पॉसिबल, मीन्स प्रीवियस केस में ने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराया था रिगार्डिंग कैरेक्टर, लेकिन इस केस में कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में इंसर्ट ऑपरेशन हो रहा है वर्ड्स के रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग वर्ड्स, जस्ट स्मॉल कोड का यूज करके आपके लिए पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कराना पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो स्पेस पर एल्स के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किया कर सकते हो, मीन्स इफ के साथ मैंने अप्लाई किया एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के केस में एल्स कब एग्जीक्यूट हुआ अगर आपने इनवैलिड पोजीशन पास किया है, देन एल्स के केस में आप डिस्प्ले क्या करा सकते हो जस्ट इनवैलिड पोजीशन और इनवैलिड इंडेक्स क्लियर और एनी एरर मैसेज, देन क्लोज दिस इंसर्ट फंक्शंस।